ये देखो आप, ये इंस्टेंट इडली का बैटर लगभग 10 मिनट में तैयार हो जाता है, और जब मैं आपको इसको काट के दिखाऊं तो ये देखो कितनी फ्लफी है, कितनी सॉफ्ट है, मतलब ये तो कोई स्पंज से कम नहीं है। और जब मैं इसको ऐसे तोड़ रहा हूँ तो ये कितनी स्टार्ची है, तो फिर इसको घर पे बनाना तो बिल्कुल बनता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। बिना दाल बिना चावल को भिगाए इडली का बैटर बनाए और वो भी उससे अच्छा रिजल्ट आए तो कोई बात है ना। तो इस रेसिपी में आप यही देखना, और अगर आपको ये रेसिपी यूनिक लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन जरूर दबाना। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कॉम्बिनेशन अलग लिया है। अगर आपने मेरी इंस्टेंट डोसा की रेसिपी देखी है तो उसमें कॉम्बिनेशन था 3:1, अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन है 4:1, और यहाँ पर चावल भी अलग है। अब जो चावल की क्वालिटी मैंने ली है, यहाँ पर मैंने स्पेसिफिकली यूज किया है इडली राइस। इडली राइस आप यूज कर सकते हो या कोई भी चपटा चावल, बेसिकली दाना छोटा होना चाहिए चावल का, जैसे कि उसमें स्टार्च बहुत ज्यादा हो। जो लॉन्ग ग्रेन होता है उसमें अमाइलोपेक्टिन बहुत ज्यादा होता है, और जो शॉर्ट ग्रेन होता है उसमें अमीलोज बहुत ज्यादा होता है। अमीलोज में स्टार्च कंटेंट ज्यादा होता है, थोड़ी सी मिठास होती है, एब्जॉर्ब करने की पावर होती है इन चावल में, पानी ज्यादा पीते हैं चावल, इसलिए आपकी इडली सॉफ्ट बनती है। तो मैंने 400 ग्राम यहाँ पर चावल लिया, यानी कि 2 कप के आसपास, और आधा कप के आसपास यानी कि 100 ग्राम मैंने धुली उड़द की दाल लिया। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून मेथी दाना भी डाला है। अब जो सबसे पहला काम आपको करना है वो ये है कि इन चावलों को आपने एकदम गर्म पानी में डाल के रखना है। तो मैंने यहाँ पर इनको अच्छे से धो के गर्म पानी में डाल के रख दिया है लगभग 5 मिनट के लिए। मैं इनको भिगो नहीं रहा, ये करने से बेसिकली होता यही है कि चावल जब हम ग्राइंड करेंगे तो उसका पेस्ट अच्छे से बनेगा, चावल टूटने लगेगा। अच्छा, तो फटाफट हम यहाँ पर उड़द की दाल जब तक पीस लेते हैं, तो यहाँ पर आप छोटी वाली मिक्सी लेना ताकि आप ये दाल को और चावल को बहुत ही आराम से पीस पाओ। तो आप दाल डाले, लगभग आधा कप यहाँ पर मैंने पानी डाला है और उसका एकदम फाइन पेस्ट बना लिया, ये देखो आप। और अब चावलों को भी अगर आप देखो तो चावलों में भी एक डिफरेंस आ गया है। अगर मैं इनको ऐसे नाखूनों से भी क्रश करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये बहुत ही आराम से टूट रहे हैं, और हमने सिर्फ चावल को गर्म पानी में 5 मिनट के लिए रखा है। तो बस मैंने वही किया है कि मैंने यहाँ पर लगभग मैंने 200 ग्राम चावल डाले हैं अपनी मिक्सी में, उसमें आधा कप पानी डाला है, और जैसे कपड़ा रख के मैंने इसको एकदम फाइन पेस्ट बना लिया है ताकि मिक्सी भैया ऊपर पूरी उड़ ना जाए। और क्योंकि हमने चावल को गर्म पानी में रखा था तो आप ये देखो कितना बढ़िया फाइन पेस्ट बना है। अगर आपको स्टार्ची इडली बनानी है तो आपको फाइन पेस्ट चाहिए ही चाहिए। तो आप यहाँ पर जल्दी से डालें नमक और चीनी। अब चीनी की जो क्वांटिटी है यहाँ पर लगभग 3 गुना है, तो यहाँ पर मैंने 3 टीस्पून चीनी डाली है। 2 से भी काम हो जाएगा, बट 3 टीस्पून यहाँ पर मैंने चीनी का पाउडर डाला है। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर डाली है खट्टी दही, लगभग 1/2 कप खट्टी दही डाली है मैंने, और ये दही बहुत ज़्यादा 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 इम्पॉर्टेंट है इस इडली को सॉफ्ट बनाने के लिए, वो टेक्स्चर देने के लिए, ये बहुत ज़रूरी आइटम है इंस्टेंट इडली में। और यही सेम बात मैंने आपको डोसा वाली वीडियो में भी बताई थी, उसमें ये बताया था कि अगर एसिडिक बैटर होता है तो वो सेट जल्दी होता है और उसमें कलर लेट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट जल्दी होगा तो हमारी इडली फूलेगी ना, तो सेट जल्दी होने की वजह से हमारी इडली फूली फूली बनेगी। अच्छा, तो अब इस बैटर को अब आराम करने के लिए रख दे 5 मिनट के लिए, और जब तक हम अपना पानी गर्म कर लेते हैं इडली के कुकर में। 5 मिनट के बाद अब आपका बैटर एकदम सेट है, इसमें आप डालो लगभग 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून भी थोड़ा ज्यादा ही है, थोड़ा सा खारापन आने लग जाता है इडली में, लेकिन सांबर वांबर के साथ सही लगता है। अगर आपको लगता है कि 2 टीस्पून से ज्यादा खारी इडली बनेगी या टेस्ट में थोड़ी कड़वाहट आएगी तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर भी डाले तो भी काम चल जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून डाला है। अच्छा, इडली बनाने में बैटर की एक पर्टिकुलर कंसिस्टेंसी होती है। बैटर पतला होगा तो इडली फ्लैट बनेगी, बैटर जितना डेंस होगा उतनी ही फ्लफी इडली बनेगी, यानी कि ऊंची इडली बनेगी। ये एक बहुत मेजर बात है इडली बनाने में। तो आप देख सकते हो कि मेरा बैटर यहाँ पर बहुत ही फ्लफी है, मतलब डेंस भी है फ्लफी भी है, और यही रीजन है कि इडली सॉफ्ट बनती है। अगर आप इसे पानी डाल दोगे तो इडली बिल्कुल बेकार बनेगी। अच्छा, और जल्दी से हमारे जो इडली के जो सांचे हैं उनमें आप अच्छे से तेल लगा के रख ले ताकि हमारी इडली बाहर आराम से आ जाए। ये तो बिल्कुल वही हो गया इडली बनाने का जो बेसिक हुआ है।
तो अच्छे से आप इस सांचों में इडली के बैटर को डालें। मैंने तो लो फ्लेम पे ही पकाया है इडली को। लो फ्लेम पे ही आप इडली को पकाएं लगभग 20 मिनट्स के लिए। ये देखो इडलियां फूलनी भी शुरू हो गई हैं। कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हैं। और बस 20 मिनट्स के बाद आप गैस को बंद करें, 5 मिनट के लिए इसको ठंडा होने दें और अब ये देखो आपकी इडलियां फ्लफी फ्लफी इंस्टेंट तैयार है। हाँ, अब बिल्कुल भी इसको गरम गरम में निकालने की सोचे ना, पहले आप इसको थोड़ा सा ठंडा करें, 5 मिनट के लिए ठंडी हो जाए इडली, तो ये आराम से इडली सांचे से बहुत ही जल्दी बाहर आ जाएगी। आप देख सकते हो कि कितनी फास्ट हमने अपना बैटर बनाया और कितनी फास्ट इडली भी बन गई है ना दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार। तो दोस्तों मैंने इस रेसिपी में बहुत मेहनत करी है ताकि मैं आपके लिए कुछ यूनिक लाऊं, कुछ अलग लाऊं, बिल्कुल भरत स्टाइल रेसिपी होनी चाहिए तभी तो वो बात आएगी। तो अगर आपको ऐसा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और आपसे मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ।